गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो रिसेंटली मैं कुछ सॉफ्ट पेस्टल पेंटिंग डाला था जिस पे कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था एंड बहुत ज़्यादा डिमांड भी आया था कि हमें ट्यूटोरियल वीडियो भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सॉफ्ट पेस्टल को कैसे यूज़ करना है, उसका क्या क्या प्रॉपर टेक्निक्स है। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको येलो क्लास ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। येलो क्लास इंडिया का बिगेस्ट लाइव एंड इंटरेक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 3 से 16 साल तक के बच्चे तरह तरह के हॉबीज सीख सकते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा और भी बहुत कुछ। और क्लासेस लाइक मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग भी आपको येलो क्लास ऐप पे मिल जाएंगे। येलो क्लास ऐप पे सारे क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं और डिजाइन किए गए हैं प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट मेंटर्स के द्वारा। और सेलिब्रिटी मेंटर्स लाइक सांस, रिपुदमन हांडा सर भी यहाँ पे क्लास लेते हैं। येलो क्लास ऐप ऑलरेडी ट्रस्ट किया जा चुका है 20 लाख से ज्यादा बच्चों के द्वारा और एवरी मंथ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तरह तरह के हॉबीज सीखते हैं। एंड ऑल्सो पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को इजिली ट्रैक कर सकते हैं इस ऐप के डैशबोर्ड की हेल्प से। यहाँ पे बच्चे अपने हॉबी सीखने के साथ साथ ढेरों इनाम भी जीत सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन, एप्पल का आईपैड, अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स एंड और भी बहुत कुछ। ऐसा ही कॉम्पिटिशन फेब्रुवरी महीने में भी हो रहा है जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक एप्पल iPhone 13। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स करना होगा। पहला, आपको येलो क्लास ऐप डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा, आपको क्लासेस अटेंड करना है। सो ये 2 स्टेप्स करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो कॉन्टेस्ट के लिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आप लोग मटेरियल्स का डिटेल्स देख लो। मैं यहाँ पे कैमल सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ करने वाला हूँ एंड फिर पेपर के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रशस्ट्रो ड्राइंग पेपर। तो ये दोनों चीज़ मेन था इसलिए इसका डिटेल्स दे दिया एंड बाकी जो जो चीज़ यूज़ करूँगा वो मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। अभी मैं जल्दी से आपको एक बेसिक टेक्निक्स बता देता हूँ कि कलर को कैसे यूज़ करना है। गाइस तो सबसे पहला टेक्निक है, जैसे आप लोग नॉर्मली कलर को यूज़ करते हो, डायरेक्ट कलर को पेपर पर चढ़ा देते हो, तो सबसे ईजी टेक्निक ये वाला हो गया। इसके बाद सेकेंड टेक्निक जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसके लिए आपको एक कटर का जरूरत पड़ेगा। आपको कटर का यूज़ करके कलर को पहले स्क्रैप करके निकाल लेना है। सो ये दोनों टेक्निक में बस ब्लेंड करने में फ़र्क आने वाला है। अगर मैं डायरेक्ट टेक्निक को ब्लेंड करने का कोशिश करूँ तो मैं जहाँ जहाँ पे स्ट्रोक्स डाला हूँ वहाँ पे दाग रह जाता है, वो इजिली ब्लेंड नहीं हो पाता। और अगर मैं स्क्रैपिंग टेक्निक को ब्लेंड करने का कोशिश करूँ तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड हुआ है और ज़रा से भी दाग नहीं रहा है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो बस ब्लेंडिंग के लिए काम आता है। तो सबसे पहले आपको कलर को स्क्रैप कर लेना है। इसके बाद आपको एक स्पॉन्ज का ज़रूरत पड़ेगा। मेरे पास और कोई स्पॉन्ज था नहीं, मुझे अर्जेंटली ये मिला छोटा सा टुकड़ा। तो आपको स्पॉन्ज की मदद से इसे ब्लेंड करना है। स्पॉन्ज का ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा स्मूथ होगा, इवन आप ब्रश से भी इतना स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं कर सकते हो। सो गाइस अब चलते हैं अपने पेंटिंग की तरफ। सो गाइस अभी मैं आपको जितना टेक्निक्स बताया उसे मैं पेंटिंग में यूज़ करके दिखाऊंगा। एंड ये पेंटिंग मैं शॉर्ट्स पे बनाया था जिस पे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था ट्यूटोरियल वीडियो का। एंड मैं जानबूझकर सेम ड्राइंग चूज़ किया क्योंकि आप पहले से ही ये ड्राइंग देखे हो तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं स्काई में स्क्रैपिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। कलर फिल करने के बाद आपको इसे स्मूथली मर्ज करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे स्काई में 3 शेड यूज़ किया हूँ, ऊपर साइड डार्क है, नीचे साइड लाइट है। ओके तो हमें लाइट टू डार्क मर्ज करना है। अगर आपको स्काई में क्लाउड्स वगैरह बनाना है तो आपको सिंपली व्हाइट कलर से क्लाउड का शेप बनाना है एंड फिर उसे स्मूथली मर्ज करना है। एंड फिर आपको सेम प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट करना है, वो थोड़ा फॉगी इफेक्ट लाने के लिए। इसके बाद आप एक इरेजर का यूज़ करके अनवांटेड कलरिंग को इरेज कर सकते हो, जैसे कि माउंटेन के ऊपर स्काई का ब्लू कलर चढ़ गया है तो मैं उसे इरेज कर दूंगा। एंड ये इरेजर कोई स्पेशल इरेजर नहीं है, ये सिंपल इरेजर है अप्सरा का। तो आप कोई भी इरेजर से मर्ज कर सकते हो, वो आसानी से इरेज हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद जो ये एरिया है माउंटेन का नीचे का साइड, वहाँ पे हमें डार्कर शेड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे ब्लू का डार्क शेड यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले कलर को स्क्रैप करके निकाल लेना कटर का हेल्प से। सो गाइस यहाँ पे हम लोग स्पॉन्ज का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए और डार्क शेड हमें माउंटेन के नीचे साइड ही रखना है। ऐसा ब्लेंडिंग करना है जैसे कि हल्का हल्का ऊपर जाते जाते लाइट हो जाए। इसके बाद हमें माउंटेन्स का टेक्सचर्स वगैरह बनाना है जिसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें कलर को स्क्रैप करके यहाँ पे फैला देना है। इसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प्स का हेल्प से माउंटेन पे अनइवन टेक्सचर्स बनाना है। इसके बाद इरेजर का यूज़ करके माउंटेन पे जो बर्फ वगैरह जमा हुआ रहता है उसका हाइलाइट्स बनाना है।
इसके बाद डार्क ब्लू का यूज करके एक और बार हमें टेक्सचर बनाना है। जो अभी हमने स्नो का हाइलाइट्स बनाया था उसका इस बार शेडो बनाना है। एंड गाइस यहाँ पे लाइट एंड शेडो का ध्यान देना, जैसे कि मेरे ड्राइंग में राइट साइड से लाइट आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा जितना हाईलाइट बनाया हूँ उसका लेफ्ट साइड शेडो देने का। तो अगर आप ये उल्टा पुल्टा देते हो तो ओवरऑल ड्राइंग देखने में आपका गड़बड़ लग सकता है। एंड माउंटेन पे डिटेल बहुत ही आराम से देना, क्योंकि हमारा ड्राइंग का ओवरऑल फोकस माउंटेन ही है तो हमारा मेन सब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखना चाहिए। सो गाइस इसके बाद माउंटेन कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ, देखो जैसे नीचे जितना गंदा हुआ है तो इसे बहुत बच के रहना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे काम नहीं किया हूँ तो अभी मैं इसे इरेज कर दूंगा, बट अगर ये इस जगह पे कहीं पे हो तो आपका पेंटिंग एक सेकंड में ख़राब हो जाएगा। तो एंड ये फिर यहाँ से गंदा ज़्यादा लगता है, तो इससे बचने के लिए आप हाथ के नीचे पेपर रख के भी ड्राइंग कर सकते हो। इसके बाद हमें दूर का ट्रीज़ वगैरह बनाना है, जिसके लिए मैं ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अपना पेंसिल कलर का ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो। एंड सॉफ्ट पेस्टल का ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो काफ़ी मोटा है एंड यहाँ पे हमें छोटा छोटा डिटेल्स बनाना है। एंड चारकोल कलर सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट पेस्टल में, चारकोल पेंसिल। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डार्क भी होता है तो ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। इसके बाद हमें ग्रीन कलर लेना है और फिर जितना आप पीछे ट्रीज वगैरह बनाए हो उस पर कहीं कहीं पर ग्रीन टेक्सचर बना देना है, इससे ट्री का थोड़ा रियलिस्टिक लुक लगेगा। इसके बाद घर को कलर करने के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल से भी बना सकते हो या फिर पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद सामने का जमीन बनाने से पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेना ताकि कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा से दिखे। तो यहाँ पे मैं ग्रासी लैंड बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं येलो एंड ग्रीन शेड का यूज करूंगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी स्क्रैपिंग टेक्निक का ही यूज होगा। इसके बाद इसे स्मूथली मर्ज कर लेना एंड कोशिश करना कि जो हमारा रास्ता है उस पर कलर ना जाए, क्योंकि हम लोग हाथ से मर्ज कर रहे हैं तो चांसेस कम है कि इरेजर से अच्छे तरीके से मिट पाएगा, तो इसीलिए केयरफुल रह के काम करना। इसके बाद रास्ता बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट कलर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं चाहिए। अगर टेक्स्चर भी आए तो खैर रास्ता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रास्ता में शेडिंग वगैरह बनाने के लिए मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। जमीन मुझे सामने के साइड काफ़ी लाइट लग रहा था इसलिए मैं डार्क ग्रीन का यूज़ किया हूँ थोड़ा शेड वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद आप येलो कलर से हाईलाइट या फिर ग्रासेस वगैरह बना सकते हो। इसके बाद मैं कहीं कहीं पे पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ लाइक ग्रासेस में या फिर रास्ता में डिटेल बनाने के लिए। गाइस तो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी अगर इसके ऊपर मैं हाथ डालूँ तो ये पेंटिंग एक सेकंड में ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे किया जाता है ताकि ये पेंटिंग पूरी तरीके से फिक्स हो जाए एंड बिगड़े नहीं। तो ये स्प्रे रूम के अंदर नहीं मारा जाता है तो इसे यूज़ करने के लिए हमें छत पर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो पेंटिंग को आप अच्छे से ज़मीन पे रख देना एंड 15-20 सेंटीमीटर दूर से स्प्रे करना, वरना आप ज़्यादा नज़दीक से करोगे तो जो एयर प्रेशर आ रहा है उससे भी आपका पेंटिंग ख़राब हो जाएगा। एंड ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है इसीलिए मैं आपको बता दिया। सो फाइनली फिक्सेटिव स्प्रे मारने के बाद आपका पेंटिंग पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर आप हाथ भी रगड़ दो फिर भी हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना पेंटिंग बचा सकते हो, वरना हर बार आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। सो गाइस मैं अपना बेस्ट ट्राई किया आपको इजी तरीके से समझाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट में आप नेक्स्ट वीडियो का सजेशंस दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और येलो क्लास ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।